क्लास बी कॉम फाइनल ईयर, सब्जेक्ट हमारा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निगम लेखा। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी के वर्गीकरण के बारे में, कंपनी के प्रकार जो होते हैं, कंपनी का वर्गीकरण मतलब कि कंपनी के प्रकार, कंपनी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो कंपनी का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी का समामेलन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो समामेलन के आधार पर जो वर्गीकरण है, समामेलन के आधार, ठीक है, तो समामेलन के आधार पर जो कंपनी का वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से है, ठीक। फर्स्ट क्या है, राजा की आज्ञा से समन्वित कंपनी, ठीक। इसका मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए शाही आज्ञा, शाही आज्ञा मतलब राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा द्वारा किया जाता है, जाती है, उसे क्या कहते हैं, राजा की आज्ञा से समामेलित कंपनी। सुनो, ऐसी कंपनी जिसका निर्माण शाही आज्ञा या राजा की आज्ञा के अनुसार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, राजा की आज्ञा से समामेलित कंपनी। इसका उद्देश्य कैसा होता है, विशेष उद्देश्य के आधार पर ही राजा किसी कंपनी का क्या करता है, समामेलित करता है, ठीक है। दूसरा है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी, ठीक। इसमें क्या है, जिस जब किसी कंपनी का निर्माण राष्ट्र महत्व के कार्यों के लिए संसद के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा। राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए, मतलब देश हित के लिए, देश हित कार्यों के लिए जब किसी कंपनी का निर्माण, स्थापना या समावेलन संसद के विशेष अधिनियम द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, संसद विशेष अधिनियम द्वारा समावेलित कंपनी। राष्ट्र हित मतलब देश हित कार्यों के लिए, राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए, देश हित कार्यों के लिए जब किसी कंपनी का निर्माण का स्थापना या फिर समावेलन किया जाता है, उसे कहते हैं संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी, ठीक है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किसके लिए कार्य करता है, देश हित के लिए कार्य करता है, ठीक है। इसका निर्माण संसद के विशेष अधिनियम द्वारा होता है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, राज्य वित्त आयोग जो होते हैं, निगम होते हैं, जीवन बीमा निगम जो होते हैं, औद्योगिक वित्त निगम, ये सब जो है ये संसद के विशेष अधिनियम द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तीसरा जो है समामेलन के आधार पर, कंपनी अधिनियम द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी। इसका मतलब है जब किसी कंपनी का निर्माण, स्थापना या समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व, जैसे 1956 था, उसके द्वारा अगर किसी कंपनी का, जो पहले अपने जो अधिनियम थे कंपनी अधिनियम, उनके द्वारा अगर किसी कंपनी का निर्माण हुआ है, समामेलन हुआ है, तो उसे बोलेंगे कंपनी अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी। तो इस प्रकार समामेलन के आधार पर कंपनी का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से था, राजा की आज्ञा से समामेलित कंपनी, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी और कंपनी अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी। अब जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है वो है दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण, ठीक है ना, बी पॉइंट हो गया, दायित्व के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण, ठीक। तो कंपनी का वर्गीकरण दायित्व के आधार पर है, वो दो प्रकार का है, एक है सीमित दायित्व कंपनी और दूसरा है असीमित
वाली कंपनी और दूसरा है असीमित डाइट वाली कंपनी, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, सीमित डाइट वाली कंपनी का मतलब क्या है? जब कंपनी के सदस्यों का डाइट उनके द्वारा क्रय किए गए अंकों के अंकित मूल्य या उनके द्वारा दी गई गारंटी मूल्य तक ही सीमित होता है, उसे क्या कहते हैं? सीमित दायित्व वाली कंपनी, ठीक है ना। इसी प्रकार असीमित दायित्व वाली कंपनी, जब कंपनी के सदस्यों का दायित्व किसी भी प्रकार से सीमित नहीं होता है तो उसे कहते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी, ठीक। तो ऐसी कंपनी जिनके सदस्यों का दायित्व किसी भी प्रकार से सीमित ना हो, असीमित दायित्व वाली कंपनी, ठीक। अब अपन बात करते हैं अंशों के हस्तांतरण के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण। अंशों के हस्तांतरण के आधार पर, अंशों के हस्तांतरण के आधार पर भी कंपनी का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक। प्राइवेट प्राइवेट कंपनी और एक हो गया पब्लिक कंपनी, ठीक। अब प्राइवेट कंपनी क्या कहलाती है वो पर बात करते हैं। तो ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है जो अपने सदस्यों को उनके अंशों के हस्तांतरण पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है कि उसके सदस्य जो है वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। और जिस कंपनी के सदस्यों की संख्या क्या होती है, 200 तक होती है, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं 200, और इसमें एक व्यक्ति वाली कंपनी शामिल नहीं होती है, मतलब कि एक से अधिक सदस्य होंगे और अधिक से अधिक कितने होंगे 200, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य किसमें होंगे, प्राइवेट कंपनी में होंगे। ऐसी कंपनी जिसके अंशों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध होता है और जिसके सदस्यों की संख्या 2 और अधिकतम 200 होती है, ठीक है ना। और जिस और जो किसी भी प्रकार की प्रतिभूति की क्रय करने के लिए जनता से किसी भी प्रकार का अभियान प्राप्त नहीं करती है, ना उनको निमंत्रण देती है, आवेदन देती है कि वो किसी भी प्रकार का हमारा सहयोग करें राशि से, प्राइवेट कंपनी नहीं है मुझे कहती है पब्लिक कंपनी, ठीक। तो ये था समावेदन के आधार पर वर्गीकरण, दायित्व के आधार पर वर्गीकरण और अंशों के हस्तांतरण के आधार पर वर्गीकरण। अब बात करते हैं हम अगला जो है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण, इसमें दो प्रकार की कंपनी आती है, एक सरकारी कंपनी और एक गैर सरकारी कंपनी। गैर सरकारी कंपनी, ठीक। इसी प्रकार गैर सरकारी कंपनी, ऐसी कंपनी जो सरकारी कंपनी नहीं
क्या बोलेंगे, गैर सरकारी कंपनी। अपने भारत में अधिकतर किस प्रकार की कंपनियां हैं, गैर सरकारी कंपनी, ठीक। तो सरकारी और गैर सरकारी स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण है। हस्तांतरण के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। समामेलन के आधार पर तीन प्रकार का वर्गीकरण बताया गया था, समामेलित कंपनी, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी और कंपनी अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी। अब इसके बाद जो हमारा है इकाई के नियंत्रण के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर और अन्य आधार पर, जो हमारे तीन प्रकार का वर्गीकरण के बाद रह गया है, उनको अपन अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि अभी इतना ही। तो ठीक, चार प्रकार से अपने कंपनी का वर्गीकरण समझ लिया है, तीन प्रकार से जो हमारा रह गया है, इकाई के नियंत्रण के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर और अन्य आधार।